भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। दोनों टीम के बीच अभी 3 मैच और खेले जाने हैं, लेकिन इन 3 मैच के लिए अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया गया है। ज़्यादा संभव है कि 3 मैच में भारतीय टीम ज़्यादा बदलाव नहीं करेगी। सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो पहले 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया के हिस्सा थे, लेकिन एक खिलाड़ी के कैरियर पर तलवार जरूर लटक रहा है। अगर इस खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में जगह मिलती है तो सीरीज का 3रा मैच इसके लिए करो या मरो वाला साबित हो सकता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 2रे मैच में इंग्लैंड को 106 रन से हराया था। इस मैच में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया तो कई का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा, तो कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा। इनमें केएस भरत का नाम शामिल है। केएस भरत लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। उनकी खराब प्रदर्शन उनकी पोल खोलकर रख दी है। विकेट कीपर के तौर पर आंध्र प्रदेश से आने वाले इस खिलाड़ी का प्रदर्शन बिल्कुल शानदार रहा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर केएस भरत का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है। विशाखापट्टनम टेस्ट में केएस भरत का बल्लेबाजी सबसे खराब साबित हुआ। 2रे मैच में भरत के बल्ले से 17 और 6 रन आए। पहले हैदराबाद टेस्ट मैच में उन्होंने 41 और 28 रन की पारी खेली थी। ऐसा नहीं है कि जब से उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है तब से वह पहली बार ऐसा प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि केएस भरत पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था, तब से उनका खेल वैसा ही जारी है। अब तक वह बल्लेबाज फ्लापी रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 मैच के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में जगह मिलती है तो ऐसे में सीरीज का 3रा मैच उनके लिए करो या मरो वाला होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि टीम इंडिया के लिए यह उनके करियर का आखिरी मैच होगा। भारत ने 12 पारियों में 221 रन बनाए हैं। केएस भरत के करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक अपने करियर में 7 मैच खेले हैं। 12 पारियों में उन्होंने 20.09 की खराब औसत से 221 रन ही बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के इस खराब प्रदर्शन ने टीम में उनके बने रहने पर सवाल खड़ा कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में सोशल मीडिया पर यूजर उन्हें टीम से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए अभी उन्हें टीम से नहीं हटाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि क्रिकेट संबंधित वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।